पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नक्सल घटनाओं में शामिल एक सक्रिय माओवादी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना से जीआरपी जिला बल एवं आईटीबीपी 29वीं वाहिनी की संयुक्त टीम विशेष अभियान के तहत रवाना हुई। संयुक्त टीम ने ग्राम तुरुष मेटा में एक संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली है कि पकड़ा गया माओवादी मनेदर दर्रो 13 दिसंबर को अमदई घाटी में सुरक्षा बलों पर आईईडी विस्फोट की घटना में शामिल था। मामले की जानकारी पुलिस अधिकारी ने इस प्रकार से दी है। जिला नारायणपुर के थाना छोटे डोंगर से डीआरजी जिला बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु तुरुस मेटा और बाहकेर की ओर रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त के ग्राम तुरुस मेटा में एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मंदिर दर्रो निवासी तुरुस मेटा का होना बताया, जिससे पूछताछ पर उसने आमदई एरिया कमेटी के अंतर्गत अपने आप को मिलिशिया का सदस्य होना स्वीकार किया गया एवं पूछताछ पर उसने जो है बताया कि 23 सितंबर 2021 को मढ़ोना मार्ग में निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी कर मजदूरों के साथ मारपीट कर मुंशी की हत्या की घटना में शामिल होना स्वीकार किया एवं 13 दिसंबर 2023 को आमदई घाटी में सुरक्षा बल पर जो है आईडी विस्फोट कर फायरिंग की घटना में भी जो है माओवादियों के साथ शामिल रहना और घटना में संलिप्त रहना स्वीकार किया गया है। और उक्त दोनों घटनाओं में थाना छोटे डोंगर में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और उक्त दोनों आपराधिक प्रकरण में आरोपी मंदिर दर्रो निवासी तुरुस मेटा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।